हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ ट्रांसफॉर्मर हैज 200 वाइंडिंग्स इन द प्राइमरी कॉइल एंड 400 वाइंडिंग्स इन द सेकेंडरी कॉइल। द प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू एन एसी सप्लाई ऑफ 110 वोल्ट एंड अ करेंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज इन इट। द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल एंड द करेंट इन इट रिस्पेक्टिवली आर। सो बच्चों, गिवन है हमें एक ट्रांसफॉर्मर के कुछ पैरामीटर्स सच दैट हम मान लेते हैं प्राइमरी कॉइल को P और सेकेंडरी कॉइल को S। अब गिवन है हमें नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल एज 200 एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल एज 400। अब बच्चों नेक्स्ट गिवन है हमें द प्राइमरी कॉइल वोल्टेज, इट मीन्स EP एज 110 वोल्ट और इसमें बहने वाली करंट दैट इज आई पी एस 10 एम्पियर। और हमें फाइंड करना है द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल एज वेल एज द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। तो बच्चों, जब हम ट्रांसफॉर्मर का बेसिक फॉर्मूला कंसीडर करते हैं विच इज ई एस डिवाइडेड बाय ई पी इज इक्वल टू एन एस डिवाइडेड बाय एन पी। सो यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, ई एस इज इक्वल टू 110 मल्टीप्लाइड बाई 400 डिवाइडेड बाई 200। सो ये आंसर आ जाएगा 220 वोल्ट। अब बच्चों हम एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे, आई एस डिवाइडेड बाई आई पी इक्वल टू ई पी डिवाइडेड बाई ई एस। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, आई एस डिवाइडेड बाई आई पी की वैल्यू है 10, ई पी की वैल्यू गिवन है हमें 110 और ई एस की वैल्यू आई है हमारे पास 220। तो ये कैंसिल हो जाएगा टू टाइम्स, सो हमें आई एस का आंसर मिल जाएगा दैट इज करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज 5 एम्पियर। सो हमें मिल गया आई एस का आंसर 5 एम्पियर और ई एस का आंसर 220 वोल्ट। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। थैंक यू।